स yes, गाइज तो बस अब शुरुआत करेंगे लॉ के साथ दिस इज लॉ दिस इज पेपर नंबर टू सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ वॉट एग्जैक्टली दिस एंटायर सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट मैं आपसे आज पेपर नंबर टू लॉ के बारे में बात करूंगा विल बी एंटायरली फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट वॉट दिस सब्जेक्ट इज आपके दो पेपर सब्जेक्टिव होते हैं जिसमें एक है अकाउंट्स और एक है लॉ ये दोनों पेपर आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं। ये दोनों पेपर आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होंगे जब येस yes, तो देखो देर आर टू पेपर्स दैट वी हैव ऑन अब्जेक्टिव साइड सब्जेक्टिव मतलब आपका रिटर्न पेपर होने वाला है आपको पूरा पेपर लिख के देना होगा और जो दो पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो दोनों पेपर है एक है आपका मैथ्स और दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स ये आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पेपर आएगा पूरा यानी दो सौ मार्क तो आप ऑब्जेक्टिव से हासिल करने वाले हो यानी मैथ्स के आपके आपके पास क्वेश्चन आएगा चार ऑप्शन आएंगे आपको खुद कैलकुलेशन करनी ए बी सी डी टिक लगाना है नो कैलकुलेशन नो वर्किंग नोट नो फॉर्मेलिटीज नो राइटिंग नथिंग नैटर वॉट मैटर्स इज द करेक्ट आंसर दैट्स इट दैट्स इट जबकि यहां पर अकाउंट्स और लॉ में आपका बकायदा राइटिंग फॉर्मेट और सारी चीजों को चेक किया जाएगा सो ये 200 सौ मार्क आपका सब्जेक्टिव है ये 200 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव है और हम अभी जो बात कर रहे हैं जवानों वो है पूरा का पूरा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर ऑफ लॉ दिस सब्जेक्टिव पेपर ऑफ लॉ हैज टू पार्ट्स इन इट दो पार्ट्स हैं इसके वन इज लॉ अदर इज बीसीआर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग ठीक है सो so, कैसे हम लोग बिजनेस के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं कैसे हम लोग बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं कैसे रिज्यूम्स बनाते हैं कैसे सारी चीजें करते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है ठीक है सो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग के अंदर हाउ विल बी डूइंग इज़ कि ये आपका 40 मार्क कवर करता है 40 मार्क्स ठीक है इसके पेपर फॉर्मेट और बाकी चीजों के बारे में एग्जाम में कैसा आएगा इसको देखेंगे और अगर मैं अभी लॉ का आपसे बात करूं तो दिस सब्जेक्ट ऑफ लॉ कवर्स फाइव लॉज टूगेदर राइट पांच लॉ है जैसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दूसरा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तीसरा है पार्टनरशिप एक्ट चौथा है एल एल पी पांचवा है कंपनीज एक्ट अब अगर मैं आपसे बात करूं सब्जेक्ट ऑफ लॉ तो दिस कवर्स द वेटेज ऑफ सिक्सटी मार्क्स सो ये साठ मार्क और ये चालीस मार्क मिलाकर बनता है अपना पेपर ऑफ हंड्रेड मार्क्स ये टोटल बनेगा हंड्रेड मार्क्स का ठीक है अब हम लोग क्या करने वाले हैं राइट right? हम लोग किस तरीके से शुरू करेंगे देखो साहब ये जो हिस्सा है ना इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ये बहुत इजी लगेगा आपको इसमें ना देखो थोड़ा सा आपका इंग्लिश ग्रामर आने वाला है ट्वेल्थ में जो आपके आता है फिर थोड़ा जनरल नॉलेज भी है सो दिस इज अ वेरी इजी पार्ट विच कैन बी सेड टू अंडरस्टैंड यस अल्टीमेटली रिक्वायर्स मेमरी अल्टीमेटली इट रिक्वायर्स मेमरी बट ऑन अ लाइटर नोट ये जो पूरा हिस्सा आने वाला है ये आपके लिए पूरा नया है पूरा जीरो लेवल पे उतर के सारी चीजों को देखना होगा पार्टनरशिप इसमें आप ये कह सकते हो जिसका आपको एक जनरल बैकग्राउंड रहता है अकाउंट्स के अंदर आपके पास इसका एक जनरल बैकग्राउंड होता है अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप का बाकी सारे जो आपके चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स आपके सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए एक नए जैसे होते हैं और नई चीजों से इसे समझना होता है तो क्या आप लोगों को समझ में आया पेपर फॉर्मेट द सब्जेक्ट ऑफ लॉ पेपर नंबर टू सब्जेक्टिव पेपर है अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्टिव पेपर है और मैथ्स और इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी ऑप्शन आएंगे टिक लगाना होगा नो राइटिंग नथिंग यहाँ पे पेपर नंबर टू लॉ का बात किया सिक्सटी मार्क्स लॉ है चालीस मार्क्स कम्युनिकेशन है लॉ के सिक्सटी मार्क्स में पांच चैप्टर है वन टू थ्री फोर एंड फाइव आप ये सारा इंडिपेंडेंट चैप्टर है यानी नो चैप्टर इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर चैप्टर आपके पास इन हर चीजों का एक कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए जैसे अभी मैंने आपसे कल एक बेसिक जब मैंने इंट्रोडक्शन का बात किया था तो आप किसी भी चैप्टर से शुरू शुरू करो इट डज नॉट हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इफेक्ट बस इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे अभी ये कंपनीज एक्ट है तो अब ये जो कंपनीज एक्ट है ये पूरा कंपनीज एक्ट थर्टी एट में कवर होता है हमारी इंस्टीट्यूट की किताब में इट इज ऑफ थर्टी एट पेजेस एंड दिस थर्टी एट ल प्रोवाइड अस अराउंड फिफ्टीन मार्क्स मिनिमम साइड इन एग्जाम मैं हर चीज जब बात करूंगा ना तो हर चीज को ना मार्क्स में इवेल्युएट करूंगा क्योंकि यार देखो मैंने जीवन में एक चीज सीखी कि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रूविंग थिंग्स रेदर देन डूइंग थिंग्स यू हैव टू प्रूव यू आर टैलेंटेड

95 वाला टैलेंटेड या 88 फास्ट 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 आई नीड एवरीबडी टू आंसर यू आर देर आउट हियर टू डू समथिंग इन लाइफ केशव कहता है सर 88 वाला टैलेंटेड है आई लाइक इट। क्या हुआ बाकी लोग क्या यार कमन इट्स 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 अ डेर कॉमन सेंस ईशिका जी क्या जवाब है आपका आई नीड एवरीबडी हु इज देयर गेट द फिंगर्स वर्किंग नाउ द एंटायर वर्ल्ड विल से नाइंटी फाइव बट बेसिकली क्या हुआ वो जिसका 88 आया ना उसका इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था अब उसका 88 आ गया साला इंग्लिश के पेपर में थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ आपने 95 वाले को टैलेंटेड बना दिया यार हद हो गई सर मतलब मतलब क्या मेरे में टैलेंट नहीं है क्या सर मेरे में टैलेंट है ना थोड़ा सा इंग्लिश ऊपर नीचे हो गया ना सर मतलब मैं क्या टैलेंटेड नहीं है गया द प्रॉब इज द वर्ल्ड विल रिएक्ट इन दिस वे

मैं मार्क्स वाइज हमेशा बात करता हूँ और हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि हर वो चीज़ करनी ज़रूरी है जिससे मार्क्स आते हैं हर वो चीज़ ज़रूरी है आपके लिए मेरे लिए हम सब के लिए तो हम लोग तो साहब वही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे सो लेटस जस्ट मूव ऑन विद द पार्ट ऑफ मार्क्स और सबसे पहला हिस्से के साथ शुरुआत करता हूं और सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया ये चैप्टर ये इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट का नाम है आई सी ए आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मैंने आपको इसे डाउनलोड करना सिखाया था कि कैसे आप ऑनलाइन इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं सो कृपया करके सब इसे डाउनलोड करें कोई भी व्यक्ति अगर उधर बैठा हुआ है प्लीज एंड श्योर कि आपके पास ये फिजिकल नोट्स हो जब अगली वाली क्लास में आए आई नीड एवरी बडीट गेट जस्ट गेट इट प्रिंटेड ना यार जस्ट गेट इट प्रिंटेड हार्डली इट विल टेक नाइनटीन पेजेज अराउंड आगे पीछे प्रिंट करने का सो so, अगली क्लास में जब आप रहे राइट आपको नोट्स वोट सब अवेलेबल होंगे एक बार के लिए इसको आप प्रिंट करा के रख लो आपके पास कुछ हैंडी होना चाहिए और ये इंस्टीट्यूट का दिया हुआ साक्षात मटेरियल है पहल इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं मतलब देखो महाभारत जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई और बाद में उसे हिंदी इंग्लिश तमिल मराठी और अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया बट दिस इज प्राकृतिक बिकॉज दिस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम वेर द गंगा स्टार्ट गंगोत्री आईसीआई इसी ने देना है ये कभी मिस्टेक नहीं करता आईसीआई इज़ ऑलवेज करेक्ट हम सबका बॉस है आईसीआई तो आओ सब थोड़ा सा जानते हैं कि व्हाट इज दिस कंपनीज़ एक्ट ऑल अबाउट किस बारे में बात करता है सो कंपनीज़ दो हजार तेरह मैंने एक सवाल आपसे पूछा था सर व्हाट डज 2013 मींस मीन्स यस 2013 का मतलब एक एक करके फटाफट मैसेज बॉक्स के अंदर उंगलियों को काम पे लगाएंगे जीवन में हम आगे जाएंगे जल्दी जल्दी बताएंगे क्या आप बोलते हो पंटर लो फटाफट सर अंश कह रहा है सर कमेंट्स जब होता है या इंप्लीमेंट जब होता है एक्ट इशिका जी कह रही है जब एक्ट साइन होता है दीपांशु कह रहा है सर दिस एक्ट केम इन एक्शन इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओके इफेक्ट में जब आया ओके okay. इफेक्ट में जब आया ध्रुव कहता इफेक्ट में जब आया बाकी लोग क्या कहते तानिया जी कह रही है सर व्हेन द एक्ट गेट्स एस्टैब्लिश जब एक्ट बनता है ओके okay, ठीक है वैसे मैं तानिया जी आपको बताना चाहूंगा ये जो कंपनीज है दो हजार तेरह है ये बनने की शुरुआत नाइनटीन नाइनटी एट से ही हो गया था प्रोक्स अंशुल जी कह रहे हैं सर वेन द एक्ट गेट्स लास्ट अपडेटेड विराट कहता है जब एक्ट इंप्लाय होता है संस्कार कह रहा है सर जब एक्ट स्टार्ट होता है ओके फाइन फाइन इनफ यस तो ये है तो देखो सब मैं बता दूं जब मैं सीए कर रहा था ना तब भी ऐसे मार्केट में हवा चल रही थी नया कंपनीज एक्ट आएगा नया कंपनीज एक्ट आ गया मैं जब सी इंटर में था ना तब भी ऐसा बात करते थे नया कंपनीज एक्ट आएगा फाइनल हो गया कंपनीज एक्ट आएगा मेरा हो गया मैंने आने वाले कई बच्चों को कई सालों तक पढ़ाया 2013 में जाके 29 अगस्त 2013 में राज्यसभा में पहले पास हुआ फिर लोकसभा में पास हुआ नया कंपनीज एक्ट दो हज़ार तेरह सचिन पायलट जी जो हमारे उप मंत्री हैं सॉरी चीफ मिनिस्टर अब तो हटा दिए शायद उप चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ही संसद में कंपनीज एक्ट को पेश किया था अप्रूव हुआ था ट्वेंटी नाइन अगस्त दो हज़ार तेरह तीस अगस्त दो हज़ार तेरह को प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर किए क्योंकि प्रेसिडेंट ही अप्रूव करता है भारत के हर लॉ को आखिरकार संसद में भी लॉ तो कभी पास हो जाए जैसे लोकपाल बिल है अब वो 2011 में आपको याद नहीं वो अन्ना हजारे जी ने वो सब वो सब वो निकाला था वो किसके लिए निकाला था ना वो अरे वो भूख हड़ताल वो केजरीवाल जी तब पैदा हुए थे ना हम नई राजनीति करेंगे पप्पू बनाएंगे देश को और जो इतिहास बदल देंगे तो 1969 में लोकपाल बिल बन गया था उसके बावजूद 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए अनशन किया व्हाट इज द रीजन क्यों किया अनशन वो अनशन इसलिए हुआ था क्योंकि बन तो गया था बंद तो कई लॉ जाते हैं साहब कई लॉ बन जाते हैं पर वो लागू नहीं होते या तो वो पार्लियामेंट में पास नहीं होते दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट मानते लोकसभा राज्यसभा तो या तो वहां वहां वो पास नहीं होते और या फिर आ, प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता लागू नहीं किया जाता पर जो मेरा सबसे पहला सवाल तो सर 2013 का मतलब क्या इस साल को वो लागू होना चालू हो गया था लागू होना चालू हो गया था 2013 से जब वो मैंने आपको बताया ना थर्टी एथ अगस्त प्रेसिडेंट ने जब साइन कर दिया उस दिन से लागू होना चालू हो गया प्रेसिडेंट ने साइन किया अमेंडमेंट्स तो कई बार आते रहते बदल बदलाव के साथ बदलाव के साथ जैसे अब जीएसटी है अब आपको क्या लगता है हर साल बदलाव नहीं आ रहा है रेट्स में बदलाव आ जाता है कभी किसी पे जीएसटी लगा रहे कभी हटा रहे कभी किसी पे ज्यादा कर रहे कम कर रहे तो अमेंडमेंट्स तो बदलाव तो रेगुलर लेवल पे आ रहे हैं तो अभी भी जीएसटी एक्ट दो ही है या 2021 आ गया है बोलो जल्दी बोलो अंशुल जी आपके सवाल पे आता हूं अंश कह रहा है सर जीएसटी दो हो गया अब यश कह रहे हैं नहीं सर 2016 ही है दीपांशु कह रहा है सोलह ही है ध्रुव कह रहा है सोलह ही है जईद भाई बोल रहे हैं इक्कीस है केशव कह रहा है सोलह है ईशिका कह है, है, इशिका रही है सोलह है बाकी लोग जल्दी बोलो ना यार आई नीड आंसर एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट भव्य कह रहे है सोलह है अंश एक बार आंसर दे रही आप चेंजेस नहीं बाकी लोग क्या बोलते आई नीड एवरी वन इज देर टू आंसर गलत आंसर पे भी कोई पनिशमेंट थोड़ी है यार पर मालूम तो चले आपकी सोच क्या है संस्कार बोलता है सर सोलह ही है सर उंगलियों पर काम पे लगाओ विराट भाई सोलह है यस बाकी लोग बाकी लोग तानिया जी सोलह है हंड्रेड परसेंट सोलह है यार कोई बात ही नहीं है इसमें बदलाव तो साहब बदलाव इज द पार्ट ऑफ लाइफ जीवन है ये तो बदलाव तो आता रहेगा द पॉइंट इज नॉट बदलाव द पॉइंट इज कब लागू हुआ फिर द चेंजेस कम्स ऑन कम्स ऑन कम्स ऑन तो ये ऐसे बदल नहीं सकता हर साल हर साल नया थोड़ी आएगा 1956 में लास्ट कंपनीज एक्ट था जो बना था उसके बाद बदलाव आते गए फिर जाके पहली बार जो नया एक्ट आया वो 2013 में जाके आया अब अब कई बार मन में ये सवाल आना चाहिए सर बदलाव तो ऐसे हर साल ही आ रहे थे जैसे आप भी बोल रहे हो हर साल बदलाव आ रहे थे ऐसे तो फिर जीएसटी में भी हर साल बदलाव आते हैं ऐसे तो फिर इनकम टैक्स में ओहो कितने रूल्स बदलते हैं यार कभी कौन सा टैक्स रेट कभी कौन सा टैक्स रेट आप तो जानते हैं निर्मला ताई आती है और निर्मला ताई के नया रूल बनाती है कितने बदलाव आते हैं पर आज भी इनकम टैक्स एक्ट को नाइनटीन बोला जाता है सवाल यह है बदलते क्यों नहीं है ये लोग जैसे कंपनी सेक्ट को 2013 कर दिया वैसे इनकम टैक्स एक्ट को 2021 क्यों नहीं करते जीएसटी को 2021 क्यों नहीं करते वो दोनों को उन लोग को तो सेम रखते हो कंपनी से को नया करते हो ये तो सरा सर अन्याय है क्या बोलते हो अंशुल भाई मैं तेरा पॉइंट पे आता हूं तो टेंशन ही ले ये अन्याय है कि नहीं है मैं कह रहा हूं अमेंडमेंट्स तो आते रहते हैं अमेंडमेंट्स तो इतने सारे आ रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट को सेम रख रहे हैं जीएसटी को सेम रख रहे हैं बदलाव तो उसमें भी आ रहे हैं नया कंपनीज है क्यों अंशुल कहते हैं सर बिकॉज कोई मेजर चेंजेस नहीं है इनकम टैक्स में कम ऑन अंशुल दिस इज नॉट डन यू वॉन्ट टू से इनकम टैक्स में चेंजेस नहीं आते पेट पे लात मारेंगे सीए के अरे हर साल इतनी मोटी मोटी बुक आती है अमेंडमेंट की इतनी मोटी बुक ईमानदारी से शपथ और तू बोलता है चेंजेस नहीं आते अरे नसे काट ले बोला चार्ट अकाउंटेंट तेरी बात सुनी होती ना नस काट लेते अपनी बोले चेंजेस नहीं है, तो मैं यहां और क्या रहा हूं मेरे को मर जाना चाहिए ऐसे करने लगते वो लोग नॉट पास बाय हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वरना हर साल हाउस में जाना पड़ता हाँ सही बात है बिल्कुल मैं तो कहता हूं नया लॉ ही मत लाओ मेरा मानना यह है नया लॉ लाओ ही मत कंपनी दो को 2013 हटाओ आप नाइनटीन चलने दो ना अमेंडमेंट लाते रहते पार्लियामेंट में क्यों जाना है हर बात को लेकर यार चल जीएसटी में समझ में आता है एक लॉ ही नया आ गया बदलाव नहीं आया जीएसटी एक लॉ नया आ गया उसके लिए पार्लियामेंट में गए नया लॉ पास किया ठीक है ठीक है पर यार बदल लिया यार पूरा नया याद करना पड़ता है आप जानते ना रटने में कितना मेहनत होता है कू पूछता है भारत आपसे द नेशन वॉन्ट्स टू नो इफ द अमेंडमेंट कैन बी डन इन द प्रीवियस एक्ट देन वाई न्यू लॉ क्योंकि सर टाइम डिफरेंस ज्यादा हो गया था अच्छा 1961 अभी भी चल रहा है इसमें टाइम डिफरेंस नहीं हुआ और हमारा 1956 में तो टाइम डिफरेंस लग रहा है 1956 61 इनकम टैक्स को बदलना होगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी क्या बोलते हो तानाशाही नहीं यार कंपनी से तो बदल गया इनकम टैक्स में बदल लो चल ठीक है हमारा क्या लाया हमने 1956 में आए थे तो तुमने हमें 13 में बदला है ये 61 में आया लाओ इसको ये बदल लो अब 13 का पांच साल और जोड़ लो 18 अरे 18 निकल गई 19 निकल गई 20 निकल गई 21 आ गई सालों ब्रिटिश कंपनी में कंपनी भी थी ना ब्रिटिश कंपनी भी थी 1956 में ब्रिटिश कंपनी भी थी 1956 में नहीं जनाब नहीं जनाब इशिका जी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था सर कंपनी में ऑलमोस्ट चेंज हो गया होगा एक मुझे ईमानदारी इनकम टैक्स से ज्यादा बदलाव भारत के इतिहास के किसी लॉ में नहीं आते सबसे हाईएस्ट बदलाव इनकम टैक्स में आते हाईएस्ट चेंज कंपनी एक्ट में आते होंगे उससे तो कमी आते हैं। पूछता है भारत हमारे साथ कंपनीज एक वालों के साथ अन्याय क्यों है ताकि एक टीचर परेशान होकर दोबारा से प्रोविजंस को याद करे और बिचारा वो पुराना पढ़ा हुआ बच्चा जिसने छप्पन पढ़ लिया हो सोचो आप उस बच्चे के बारे में सोचो जो 2013 में सीए में ज्वाइन हुआ होगा पहले तो उसने पढ़ा होगा उन्नीस और फिर एक बार अगर फेल हो गया तो पढ़ना पड़ेगा 2013 सर गवर्नमेंट में बदलाव आ गया नहीं 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 देखो साहब 2004 से लेके 14 तक वो हमारे वो गुंगे साहब मनमोहन जी थे उस समय तो बदलाव तो नहीं totally <laughs> uh, good, uh, debate, huh? on, है ओल्डर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज वर टोटली डिफरेंट द न्यू वन तानिया जी इट्स अ गुड इट्स अ गुड डिबेट हाँ गुड पॉइंट टू डिबेट ऑन ठीक है चेंज इन गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट में से कोई चेंज हो देखो साहब देखो मोदी जी आए और फिर नया लॉ आए तो समझ में आता है ये नया लॉ ये सब कौन लाया साहब ये यूपीए की सरकार में आया मनमोहन जी की सरकार में आया ये तो इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है कमनी जैक के अंदर तो उसको गाली अभी नहीं बकूंगा क्योंकि उसका रोल नहीं अगर उसने बदला होता तो उसको गाली बकता मैं ऐसे नया नया लाल ला आके बहुत परेशान कर देते हो आप लोग देखो एक चीज आपने क्लियर कर दी 2013 का मतलब है इस दिन से लागू हुआ था फिर अंशुल ने सवाल पूछा सर 13 तो लिखा है पर कई जगहों पे गूगल में लिखा है 2014 अच्छा मैं इसके ऊपर एक अंशुल को खाली पॉइंट सर प्रेसिडेंट को पैसे खिलाएंगे <laughs> तुम लोग क्या है? सेटिंग सेटिंग चालू कर देते हो यार ऐसा नहीं होना साहब क्या सेटिंग सेटिंग ऐसे नहीं राइट क्या पैसे खिलाए वैसे खिलाए ठीक है खिला दो पर जवाब ऐसे, ऐसे वो, सवाल, सवाल वो आया दो में पर वो वो अभी भी लागू हो रहा है पूरे देखो कंपनीज एक्ट के अंदर मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ करना चाहता हूँ वैसे अभी ये आ जाएगा आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है और अभी तक ये 470 पूरे लागू नहीं हुए धीरे 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 सेक्शंस को लागू किया जा रहा है जैसे और एकमात्र ऐसा एक्ट बना कंपनीज एक्ट जो एक साथ लागू नहीं हुआ स्लोली एंड ग्रेजुअली देखो क्या होता है कि उन्नीस में बुराइयां थी गड़बड़ियां थी पर बुरा नहीं था लॉ तो एक झटके में ब्लैंकेट प्रोविजन नहीं है इस ब्लैंकेट को फेंक दिया दूसरा ब्लैंकेट ओढ़ लिया धीरे 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 छप्पन हटता गया धीरे 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 तेरह आता गया ऐसा हुआ है अभी तक लागू हो रहा है कंपनीज के कुछ 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 सेक्शन जैसे 2013 में कुछ सेक्शन लागू हुए थे फिर मेजर सेक्शन एक अप्रैल दो से लागू हुए थे फिर धीरे 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 हम चीजों को आगे लेते गए So, इस तरीके से प्रावधान आगे बढ़ा तो स्टेप बाय स्टेप फिर कुछ प्रोविजन 2015 में लागू हुए बदलाव आ रहे हैं आज भी बदलाव आ रहे हैं रेगुलर लेवल पे सब बदलाव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ द चेंज कीप्स ऑन कमिंग आज भी चेंज आ रहा है राइट अमेंडमेंट्स तो आ ही रहे तो द क्वेश्चन अपने जहन में रख के रखने का अभी मैं उससे आगे र, आ, हाँ, एक दीपांशु का रिड्यूस करने के लिए लॉ को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नया आया पर मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आऊंगा 1956 में जब कंपनीज एक्ट था तो उसको भी तो छप्पन साल से ज्यादा हो गए थे और उसमें भी रेगुलर लेवल पे अमेंडमेंट आ रहा था तो अमेंडमेंट डाल के भी तो लाया जा सकता था सवाल सिर्फ इतना है मैं मना नहीं कर रहा देखो मैं मानता हूं देखो कुछ लोग क्या होते पुराने होते पुराने जाते जैसे मैं आपको बात करूं इंडियन एविडेंस एक्ट सबूत अब पहले क्या था जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1887 का बना हुआ है अंग्रेजों का ही था हमने वहां से उठाया था डायरेक्ट तो इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ था कि जो रिटर्न होगा लिखित में होगा उसे सबूत माना जाएगा उसके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा फिर टाइप राइटर का इन्वेंशन हुआ टाइप राइटर का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने बोला कि जो टाइप रिटर्न होगा उसे माना जाएगा फिर कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो कंप्यूटर्स में कंप्यूटर प्रिंटेड जो होगा उसे एविडेंस माना जाएगा फिर धीरे धीरे उन्होंने ईमेल्स को भी साबित कर दिया आज वीडियो व्हाट्सएप ये एविडेंस है अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी को लिख दिया राइट आज मान लो दीपांशु को गुस्सा आया और ये साला अब कहानी संपूर्ण रूप से काल्पनिक है इसका वास्तविकता से वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है दीपांशु जी एक एग्जाम्पल लेना है। ले लूँ क्या हाँ बोलो जल्दी से हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो यस अब देख अब मेरी तो आदत है साहब थोड़ा सा समझना का, कहानी काल्पनिक है अब दीपांशु की एक बंदी है अब दीपांशु की बंदी पे मान लो दीपांशु का कोई प्रतिस्पर्धी है राइट बताता हूँ रुक जा ना राइट अंशुल मैं बताता हूँ अंशुल रुक जाए एक बार एक बार दीपांशु का मुद्दा खत्म होने दे तो दीपांशु की बंदी के ऊपर एक और बंदा थोड़ा ट्राई मार रहा था तो दीपांशु को मालूम चला दीपांशु को आ गया गुस्सा और ये सारा वो देखा हुआ है कौन सा वो कौन सा वो कौन सी पीछे थी शाहिद कपूर की अरे नाम भूल रहा हूँ मैं यार अरे पिक्चर का नाम बताओ अरे क्या नाम था शाहिद कपूर की हाँ देखो 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 नॉलेज देखो दीपांशु एक झटके में कबीर सिंह सर तो कबीर सिंह वो जो पिक्चर आया तो कबीर सिंह पिक्चर के जैसा वो गया गुस्से में गया और थमा धम उसको मार के आया राइट अब सवाल आता है सवाल आता है कि साहब कहानी ऐसी है कहानी ऐसी है कि अपना मुद्दा अपन चर्चा कर रहे थे किस बारे में चर्चा कर रहे थे भाई मैं तेरे बंदी के पीछे चला गया एग्जाम्पल सोचना पड़ता है ना भाई घर से क्रिएट करके थोड़ी आया मैं सवाल कौन सा था अपना जल्दी बताओ लेट्स बता नहीं बता दे आप मेरे को दीपांशु का एग्जाम्पल किस मुद्दे पे आया था दीपांशु का एग्जाम्पल किस मुद्दे पे आया था दीपांशु ने सवाल पूछा था एविडेंस एविडेंस हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बात है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब दीपांशु ने उसको मारा नहीं मान लो एग्जाम्पल चेंज ठीक है मारा नहीं उसने उसने लड़के को मैसेज कर दिया कि साले आज के बाद अगर तू मेरी बंदी के पीछे आया ना तो आज का दिन तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा ऐसा उसने दीपांशु ने व्हाट्सएप छोड़ दिया उस लड़के को अब ठीक है यार अपन अपन चलते फिरते कितनों को ऐसे बोलते रहते साले अगर देख लेना वरना ऐसा मारूंगा ना कि सीधा मार्स में पहुंचा दूंगा दुनिया में रहेगा नहीं अब कई लोग को बोलते यार बोल दिया बोल दिया क्या हो गया अगले दिन सुबह वो बंदा मरा हुआ मिला अब तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा तुझको रब से इजाजत लाएगा कोई नहीं बचा पाएगा अंकल 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 आपकी मां की कसम मैंने नहीं मारा ए मेरी माँ की नहीं तेरी माँ की खा अंकल तेरी माँ की कसम तो बोला ना और तेरी तेरी माँ की हाँ अंकल तेरी मां की कसम अरे साहब मां की कसम छोड़ सवाल ये है अगर खुदा ना खास था अगर वो मर्डरर पकड़ा नहीं गया दीपांशु को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती क्या बोलते हो बचेगा या नहीं बचेगा आप बता दो तो। ये बचेगा या नहीं बचेगा इसी का नहीं बचेगा ध्रुव नहीं बचेगा नो सर खत्ता अंश नहीं मना कर दिया अंशुल बच अरे अंशुल बच जाएगा रुक रुक तेरे पास आता हूं मैं रुक जाहिद भाई नहीं बचेगा सर दीपांशु खुद ही बोल रहा है सर मैं नहीं बचूंगा सर तानिया नहीं बचेगा सर दीपांशु <laughs> नहीं मारा है दीपांशु ने नहीं मारा यार नहीं नहीं मारा यार उसने दीपांशु ने केशव नहीं बचेगा सर राइट नहीं बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा विराट भी बोल रहा है नहीं बचेगा सर मेरे पास सलमान खान का लॉयर हुआ तो बच जाऊंगा मस्त मस्त आई लाइक इट सन 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 सब द पॉइंट गोस दिस वे द पॉइंट गोस दिस वे अगर रियल मर्डरर नहीं मिला ना सर तुम क्या बोलोगे सर अंकल मैं अंकल अंकल मैं धरती की कसम कहता हूं आप मेरे पलंग से पूछो मैं वहीं था अब मेरे को एक बात बताओ वीडियो ऑन करके वीडियो शूटिंग करके तो मैं सो नहीं रहाऊंगा कहीं ना कहीं कोई कैमरा प्रूफ मिल जाए तो टाइमिंग के साथ बता दे और एविडेंस के साथ बता दे कि ये वहीं था घर पे ही था और निकला ही नहीं उस समय तक वरना बहुत मुश्किल है इसको साबित कर पाना क्योंकि इस एक रिटर्न एविडेंस है सामने वाले के पास साहब मैसेज किया था और मैसेज किया था कि नहीं किया था अब अगर ये उस बात से झुटला गया कि नहीं मैंने तो मैसेज ही नहीं किया था तो फिर वो साबित कर देंगे तुमने तो लॉ को और गुमराह कर रहे हो तो वो और तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे तो इसको पहले तो ये अग्री करना पड़ेगा हाँ मैंने मैसेज किया था फिर दूसरा सवाल आएगा साबित करने का कि सर मैंने मारा नहीं है तो उसको साबित कैसे करेगा उसको साबित करने के लिए उसको रियल मर्डरर को पकड़ाना पड़ेगा एंड नाउ द ओनर्स ऑफ प्रूफ यानी जिम्मेदारी ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है किसके ऊपर है जिम्मेदारी ऑफ प्रूफ वो जिम्मेदारी ऑफ प्रूफ है पांशु के ऊपर तो तुझे बताना पड़ेगा साबित करना पड़ेगा कि सर मैंने नहीं मारा है सर अगर साबित नहीं हो पाया कोई नहीं है सब ये दुनिया सबूत मांगती है हर चीज सबूत मांगता है क्या आप टैलेंटेड हैं सबूत दिखाओ सबूत क्या होता है कितने मार्क्स आए तुम्हारे अब यही दुनिया है दोस्त यही दुनिया है लोग बाकी चीजों के पीछे भाग रहे नॉलेज के पीछे भाग रहे साहब कोई तवज्जो ही नहीं है चीजों का इट्स ऑल अबाउट एविडेंस और लॉ इज अबाउट एविडेंस हर चीज जो लॉ में है ना वो सब चीजें सबूत मांगती है तो सबसे पहला सवाल अंशुल सर सर, अगर ये पूरा दिन बाहर गया था तो ये क्यों लायबल हुआ फिर प्रूफ के लिए साहब मुझे एक बात तू ने देख मेरी बात सुन अंशुल जी मैं आपको देखो मैं आपको हाँ अब आपका सवाल पूछे अंशुल जी मैं आपके सवाल पूरे मेरा पूरे मतलब ये है कि इसके पास प्रूफ है कि ये घर पे ही था पूरे दिन फिर ये क्यों लायबल होगा प्रूफ देने के लिए क्या प्रूफ है घर पे था नहीं सर मान लो प्रूफ मिल गया फिर क्या मिला? था, क्या मिला? सर, नहीं सर उनने जो इसके घर वालों ने बताया पूरी ये घर वाले आपका पार्टी ऑफ इंटरेस्ट है कौन माँ बाप झूठ बोलेंगे उसे एविडेंस नहीं माना जाता कोई फ्रेंड कौन सा फ्रेंड सर इसकी वो जो बंदी थी ना इसकी उसने बोला ये तो पूरे दिन घर था मेरे साथ तो था तो वो ये साबित कर देगा कि इस बंदी का इसके साथ अफेयर है और ये दोनों ने मिलकर उसको मारा है ले मैं बता देता हूँ आपको रियल लाइफ ऑफ सिचुएशन के अंदर साहब मैं तो उल्टा बंदी का अगर रोल प्ले आ गया तो तो वो बंदी भी साथ में उलझ जाएगी और वो बंदी के ऊपर भी मर्डर का इल्जाम आ जाएगा कि इन दोनों ने जान मुझ के मारा है क्योंकि इसी बंदी के कारण से इसने उसको मारा है तूने उसका मैसेज क्यों किया था इस बंदी के कारण से ले फंस गया फिर फंस गया मतलब मैं मना नहीं कर रहा बच मैं ये नहीं बोलना चाह रहा दीपांशु मर ही जाएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट हम दीपांशु को बचाएंगे बट वापस से उसे कहते हैं ओनर्स ऑफ प्रूफ इसे लॉ के टेक्निकल शब्दों में कहा जाता है साबित करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाएगी क्योंकि एविडेंस सब कुछ इसके खिलाफ है जैसे वो साबित कर देगा देखो सर ये बंदी के साथ इसका लफड़ा हुआ था ठीक है हुआ था साबित कर दिया उसने उसने बताया कि ये बंदा इसकी बंदी को छेड़ रहा था ठीक है ये भी साबित कर दिया उसने और इसलिए इसने उसको ये मैसेज किया था और ये रहा उस मैसेज का प्रूफ ये भी साबित कर दिया उसने और इसी कारण से इसने उसको मार दिया नहीं जज साहब अब आएगा दीपांशु का बारी अब उसको साबित करना पड़ेगा सर मैंने नहीं मारा मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं ये नहीं बोलना चाह रहा दीपांशु को मार ही देंगे ऐसे, 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 ऐसे। बचाएंगे यार दोस्त है अपना यार बचाएंगे उसको पर जिम्मेदारी एविडेंस वापस से वो आता था मुझे था। एविडेंस हर चीज एविडेंस है और हर चीज क्या सब लॉ है आपको समझना पड़ेगा अब है ना देखो लॉ क्या है मैंने अब वापस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ठीक है स्टेप बाय स्टेप ये आया मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा कि व्हाट इज द रीजन व्हाई 2013 ठीक है तो 2013 का तो अपन ने देख लिया 2013 का मतलब है इस दिन से लागू हुआ मैंने आपको कंपनीज एक्ट के बारे में बता दिया कि कंपनीज एक्ट जो है वो 29 अगस्त 2013 को तो लोकसभा में पास हो गया था उससे पहले राज्यसभा में पास हो गया था और 30 अगस्त को प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर कर दिए यानी इसकी लागू होने की तारीख क्या मानूंगा थर्टीएथ अगस्त 2013 इस दिन से ये लागू हुआ नया कंपनीज एक्ट ठीक है फिर अब इसमें आता है सर इसमें है क्या क्या तो थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि एक आपको जनरल नॉलेज जा आ जा जाए कि क्या है कंपनीज एक्ट के अंदर तो इसका जनरल नॉलेज ऐसा है कि कंपनीज दो हजार तेरह एनेक्टेड एनेक्टेड मतलब लॉ में ये वर्ड क्यों जाता है आ, मेड तो जब मेड वर्ड यूज करना होता है तो हम लोग एनेक्टेड वर्ड यूज करते हैं ऐसे टेक्निकल आपको थोड़े थोड़े मिल सकते हैं अब क्यू बना ये तो क्यू बना टू कॉन्सोलिडेट कॉन्सोलिडेट का मतलब है कंबाइन एंड अमेंड चेंज लॉ रिलेटिंग टू कंपनी कंपनी से जुड़ते हुए लॉ को बदलना द कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह वॉज प्रीसीडेड मतलब इससे पहले था कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एवरी वन क्लियर विथ दिस फटाफट से हा बोलो हां बोलो हां बोलो ये पहले दो लाइन क्लियर है स्टेप बाई स्टेप आगे जा रहा हूं देखते ना अभी क्या बोलता है ये एवरीबडी आई नीड एवरीबडी टू आंसर ठीक है जहां पर नया आएगा अपन चीजों को रोकेंगे फिर समझेंगे उसको ध्यान से देखना आप परफेक्ट थैंक यू वाइज ड्यू टू चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एन्वायरमेंट बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं यार राइट दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंज दिस इक्कीसवीं सदी इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ चेंजेस और वी आर फीलिंग द चेंज राइट दिस इज अ कोविड दट इज गोइंग ऑन एंड टू फैसिलिटेट एक्सपांशन फैसिलिटेट वर्ल्ड का मतलब होता है ईजी बनाना एक्सपांशन को आसान बनाना और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को लेके जाना केंद्र सरकार ने डिसाइड किया टू रिप्लेस 1956 फिफ्टी सिक्स न्यू लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन शब्द का मतलब होता है लॉ तो उसको लोग लेजिस्लेशन वर्ड बोलते हैं राइट दिस इज द रीजन आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव अ नोट ताकि वो मेरे साथ साथ चीजों को लिखते समझते हुए चले मैं आपको क्यों पढ़ पढ़ के बता रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट यी एस टी गाइज इज नॉट योर बी एस टी इट्स अ न्यू थियरी वेर द फॉर्मेट ऑफ रटिंग इज ऑल्सो डिफरेंट इतना आसान नहीं होगा ये रटो फाइंग राइट क्योंकि पहले क्या होता है रटने के लिए अपने पास क्या होता है मैनेजमेंट बी एस टी इकोनॉमी थोड़ा बैकग्राउंड होता है फिर उसके आगे चीज समझते हैं। यहां पे आपके पास बैकग्राउंड ही नहीं है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे लेके जा रहा हूं जरा देखिएगा आप कंपनी से दो हजार तेरह कंटेन चार सौ सत्तर सेक्शन ये तो अपने को क्लियर हो गया कि भैया पूरे कंपनी सेक्शन है चार सौ सत्तर सेक्शन है और हमारे पास कितने शेड्यूल है सेवन शेड्यूल्स है सर ये शेड्यूल क्या होता है कितने लोगों ने सुना है से आए मैसेज बॉक्स में आई लिख के बताओ शेड्यूल वर्ड सुना है शेड्यूल वर्ड सुना है से आए इसी का जी तो सुना है ये शेड्यूल वर्ड ठीक है यश भाई ने भी सुना है ध्रुव ने भी सुना है लक्ष्य ने भी सुना है से आय भव्य ने भी सुना है तानिया जी ने सुना है लोकंतिक जी ने सुना है अंश ने सुना है विराट ने सुना है दीपांशु ने सुना है भव्य ने, ने नहीं सुना भव्य ने भी सुना है बिल्कुल चलो वैसे मैं बता दूं आप जो अपना बैलेंस शीट बनाते हो बैलेंस शीट कौन से शेड्यूल में आता है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दैट यू प्रिपेयर जल्दी 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 बैलेंस शीट जो आप बनाते हो किस फॉर्मेट में बनाते हो कोई फॉर्मेट सिखाया क्या आपको अरे बैलेंस शीट का फॉर्मेट इधर शेयर कैपिटल ही आएगा लाइबिलिटी साइड में फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस ही आएगा इधर ट सी आएंगे ऐसा कोई फॉर्मेट है क्या कि, कि ऐसे लिखना पड़ता है जैसे मैं मैं करंट लाइब्रिटीज को सबसे ऊपर लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं या नहीं सबसे पहले शेयर कैपिटल ही आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल ही आएगा या करंट लाइब्रिटीज को भी ऊपर लिख सकता हूं शेयर कैपिटल या करंट लाइब्रिटीज को लिख सकता हूं या मेरे को करंट लाइब्रेटीज ऊपर लिखनी है सबसे पहले मैं करंट लाइब्रिटीज लिखूंगा प्लीज लोकांतिक मना कर रहा है क्यों यार शेयर कैपिटल ऊपर क्यों आएगा यार कोई कंपलसरी है क्या इज इट कंपल्सरी टू कीप शेयर कैपिटल आई वॉन्ट टू कीप नहीं आई लास्ट अनुभव सर नहीं सर मेरे को पहले करंट लाइब्रेटी लिखना है बस लिखना है मतलब लिखना ही है मेरे को करंट लाइब्रेटी बिकॉज द बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर्मेट विच इज गिवन अंडर शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट जो आप लोग जो बैलेंस शीट बनाते हो वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां दिया है कहा दिया है कहा दिया है कहा दिया है शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट ये शेड्यूल्स क्यों होते हैं कंपनीज एक्ट को बेहतर रूप से समझाने के लिए कंपनीज एक्ट को बेहतर रूप से बताने के लिए शेड्यूल्स दिए जाते हैं राइट हां शेड्यूल थ्री बिल्कुल सही बात है शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो किया जाता है और ऐसे पूरे कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल हैं जवानों कितने शेड्यूल हैं सात सर आप ये कहना चाहते हो कि आप हमें 470 सेक्शन पढ़ाएंगे अबे राहुल गांधी का नशा किया है क्या? 470 सेक्शन पढ़ाएंगे अबे फाउंडेशन कर रहा हूं फाइनल नहीं है अरे साहब मतलब सबको एक साथ लेके क्या कुदी लगाने की है क्या नारगढ़ की पुलिया उधर पहाड़ी से 470 सेक्शन नहीं रे यार 10-15 सेक्शन है टोटल सिलेबस में वो पढ़ते पढ़ते भी नशे जाम हो जाएंगी खून ठंडा पड़ जाएगा सर आप हमें डराने का कोशिश कर रहे हैं हां थोड़ा थोड़ा राइट तो साहब इधर आओ 470 सेक्शन शार्ट शेड्यूल जबकि 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 थोड़ा सा और आगे देखते हैं ये सबको क्लियरली दिख रहा है ना ये थोड़ा सा और बिगर करू व्यू दिख रहा है ना वर्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है The entire act has been divided into 29 एंटायर एक्ट है फॉर्म ऑफ कंपनी रूल बहुत कुछ कंपनी रूल्स है कंपनी रूल्स अलग होते हैं साहब वो अलग से दिए हुए हैं कंपनी रूल्स भी है अलग से फिर कंपनीज एक्ट दो उद्देश्य रखता है इंप्रूव करना कॉरपोरेट गवर्नेंस ताकि कंपनियों को ढंग से मैनेज किया जा सके सिंप्लीफाई रेगुलेशन रेगुलेशन को सिंपल बनाना स्ट्रेंदन करना इंटरेस्ट और माइनरिटी इन्वेस्टर माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है उसको स्ट्रांग बनाना सर माइनरिटी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं अरे यार छोटे इन्वेस्टर की सलाह कोई कदर ही नहीं करता है जैसे अब मान लो कंपनियां बंद हो गई येस बैंक येस बैंक के अंदर लफड़ा हो गया और कितने सारे बैंकों के अंदर शेयर धारक थे अब वो कंपनियां बंद हो गई तब तो मान ले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो तो केस कर देंगे ये कर देंगे पर मान ले जिसके दस हज़ार रुपये हैं वो जिसके पाँच हज़ार रुपये है वो उसको तो चांटा मारे क्योंकि अगर आप वकील के पास जाओगे तो वो बोलेगा मैं तो केस करने का पचास हज़ार रुपये लूंगा पच्चीस हज़ार रुपये लूँगा अब मेरा अमाउंट ही दस हज़ार का है मार देगा क्या मुझे तो साहब ये थोड़ा एक दिक्कत रहता है इन बिचारों के साथ एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्ट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर ओ हो लेलेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर सर यह विसल ब्लोअर कौन होता है सीटी बजाने वाला क्या बोले भाई hmm. क्या बोलते हो सीटी बजाने वाले को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे जल्दी बोलो यार सिटी बजाने वाले क्या बोलते हैं लोफर अगर लड़की को देख के सिटी बजाता है तो उसे लोफर कहते हैं तो सर ये विशल ब्लोअर कौन है अरे यार जो जो आपको कंपनी की खूफिया जानकारियां देता है वो नहीं होते जब कुछ लोग कंपनी की खुफिया जानकारी कंपनी जेब को बताया सॉरी यहाँ पे फ्रॉड होने वाला है सॉरी ऐसा होने वाला है सॉरी वैसा होने वाला है अब साला जो आदमी जान हथेली पे लेकर कुछ पैसों के लिए भले या किसी के लिए पर आपको खुफिया जानकारी देता है वो आपका मेन आदमी होता है उसको बचाना आपका धर्म है साहब आज हम लोग देखते हैं कहीं पे किसी ने सुना भाई आज अपन ने सुना अपन कहीं पे पान लेने गए और मालूम चला वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं यार बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे ओढ़ा देंगे भारत को ऐसे लोग अपन ने सुने अपन ने किसी को हमने पुलिस में इतला कर दिया सर ये ऐसा ऐसा हो रहा है और मालूम चला हमारे पे अटैक हो गया सला फिर कौन करेगा आज हमें बचाना बहुत जरूरी है तो हमें बोला जाता है जो खुफिया जानकारी देते हैं उनको विशल ब्लोअर बोला जाता है उनको सुरक्षित रखना राइट और प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट सर ये क्लास एक्शन क्या होता है क्लास एक्शन ओ एम जी पिक्चर देखिए अपने ओ एम जी से आए यस। ब्यूटीफुल मूवी नहीं देखिए देखो साहब बढ़िया मूवी है राइट उस मूवी में क्या होता है एक परेश रावल करके बंदा है अब वो भगवानों पे केस करता है राइट अल्लाह भगवान जीज सब पे केस कर देता है और बोलता है साहब 400 करोड़ रुपए मेरे को तुम्हारे पास से चाहिए मेरे को 400 करोड़ रुपीस तुम्हारे पास से चाहिए ऐसा वो उनसे मांगता है तो वो वो पूरे 400 करोड़ उसके खुद के थे या सबके मिलाकर वो 400 करोड़ खुद के या सबके मिलाकर सबके मिलाकर या खुद के सबके मिलाकर या खुद के सबके मिलाकर या खुद के सबके मिलाकर वो लोग तो कभी सुनवाई में आए ही नहीं हाँ तो जब सबका मिलाकर एक आदमी केस करता है तो उस केस को क्लास एक्शन सूट बोला जाता है मेरे साथ रियल में हुआ वह है यार मेरे साथ तो रियल में हुआ हुआ है मेरे साथ रियल में क्या हुआ कि अरे ऐसी एक कंपनी ने पप्पू बना दिया है यार पैसे डूब गए उसमें मेरे दस लाख रुपए लगे हैं मेरे एक और रिलेटिव है उसके पंद्रह लाख रुपए लगे हैं किसी के दो चार लाख रुपए लगे हुए ऐसे मिलके कुछ लगभग है ना एक कंपनी के ऊपर नोएडा की कंपनी है ऑनलाइन वाली हमारे कुछ अड़तीस चालीस लाख रुपये अटके हुए हैं तो अब मेरे भी थे अब थोड़ा बहुत मैं लॉस समझता हूँ तो उन लोग सारे रिलेटिव ने बोला भाई सनी भाई आप देखो इस केस को तो हमने एफ आई आर लॉन्च की हुई है तो मैंने भी एक क्लास एक्शन सूट लगाया हुआ है जिसमें हम लोग पार्टीज़ में तो आठ दस पार्टीज़ है राइट पर उन सब के बिहाफ पे मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं और सवाल जवाब करूँगा भैया मेरे से पूछा जाएगा और मैं मेन अधिकारी बनाऊँ तो वो चालीस लाख मेरे नाम पे पास होगा पर वो चालीस लाख मेरा अकेले का नहीं है मेरा तो उसमें से दस ही लाख है फिर बाकी लोग का अलग अलग अपना अपना हिस्सा है तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको क्लास एक्शन सूट क्या बोलते हैं उसको क्लास एक्शन सूट